हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत सैयद सालार मसूद काजी मियाँ रहमतुल्ला अलैह उर्फ बाले मियाँ के विवाह की रस्म रविवार की सुबह से बहरामपुर स्थित दरगाह गाजी मियाँ पर पारंपरिक रूप से शुरू हुई। इस मौके पर दरगाह पर गुसैल परंपरागत चादर पोशी संदल पोशी हुई। इसके बाद कुरान खानी की गई। अकीदमंदों द्वारा इस अवसर पर दरगाह में चादर गागर चढ़ाया गया। बताते चलें कि हर साल लगने की रस्म पंग पीढ़ी के रूप में मनाई जाती है। बहरामपुर में हर साल जेठ के महीने में यहाँ मेला लगता है, जहाँ पर आसपास के क्षेत्रों के अलावा दूर दराज से भारी संख्या में अकीदमंद यहाँ आते हैं। जगह जगह पर जायरीनों के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। एक माह तक चलने वाले मेले के मुख्य दिन रविवार को अकीदमंदों द्वारा लहबर व कनूरी भी चढ़ाई जा रही है। पलंग पीढ़ी देर रात उठेगी, जिसमें अकीदमंद नाचते गाते दरगाह पर पहुंचेंगे और लग्न की रस्म पूर्ण करेंगे। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो गई, उन्होंने मन्नतें उतारी। अकीदमंदों ने चने की दाल, आखियां, मुर्गा, चावल आदि पकाकर फातिया दिलाई। दरगाह पर लोगों की लंबी लाइन सुबह से ही लग गई। देर रात तक लोग दरगाह पर जाकर मन्नतें मांगते रहेंगे। दरगाह पर देश में शांति खुशहाली की दुआ भी मांगी। मेले में जायरीन खाने पीने घरेलू सामानों खिलौनों आदि की दुकानों के साथ ही साथ छोटे बड़े झूले जादू लजीज व्यंजन का जमकर मजा ले रहे हैं। महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन व गृहस्थी का सामान खरीदने में मशगूल नजर आईं। वहीं पुरुष भी अपनी जरूरत का सामान खरीदते नजर आए। चारों तरफ कवालियों की मधुर धुनें लोगों को सूफी मिजाज में रंगी रहीं। जात पात मजहब के सारे बंधन टूटते नजर आए। आने वाले रविवार पर भी खास रौनक बनी रहेगी। मेले में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता हो रही है। प्रमाणित साक्ष्यों के मुताबिक जब काजी मियाँ की शोहरत दूर दूर तक पहुंची, तो उस समय जमाने में रुधौली जिला बाराबंकी की रहने वाली बीबी साहिबा जोहरा जो सैयद जादी थी और पैदाइशी अंधी थी, उस वक्त उनकी उम्र 12 साल की थी। एक दिन आपके वालिद सैयद जमालुद्दीन ने घर में सैयद काजी मियाँ की करामातों का जिक्र किया। बोले तो हजारत मद बहराइच जाता है, खुदा के फजल से काजी मियाँ के वसीले से दिल्ली मुराद पा जाता है। उन्होंने दुआ की, ए वली को शहीद को दर्जा प्राप्त अता करने वाले अल्लाह, काजी मियाँ के सदके मेरी लड़की को आँख वाला कर दे, रोजे पर हाजिरी दूंगा। इधर जोहरा बेबी ने अहद किया कि अगर मैं आँख पा जाऊंगी तो दरगाह शरीफ पर हाजिरी दूंगी। आप मोहम्मत काजी मियाँ में ऐसी गुम हुई कि दिन रात काजी मियाँ की नाम जुबान से जारी रहता। जब मोहब्बत इश्क की मंजिल को पा लिया, तो एक रात ख्वाब में देखा दरवाजे पर कोई घोड़सवार आया है। पानी मांगा, जोहरा बीबी पानी लेकर दरवाजे पर पहुंची और गिलास सवार की तरफ बढ़ाती हैं। आवाज़ आई, मेरी तरफ देखो। बस उसी वक्त आंखें रोशन हो गई। बहराइच जाने की बात करती है, यहाँ पर मजार की चौधरी तामीर करती है। जब यहाँ आती है तो फिर यहीं की होकर रह जाती हैं। यहीं पर रहकर आपका इंतकाल 19 साल की उम्र में हुआ। यहीं पर बाले मियाँ का मजार है। जेठ माह में जोहरा बीबी साहिबा का इंतकाल हो गया और साल गुजरते रहे, और फिर एक दिन ऐसा आया कि इस दिन को लोगों ने लग्न के नाम से मंसूब कर दिया। बाले मियाँ की बारात में हिंदू और मुस्लिम धर्मों से हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे पूरी आस्था के साथ आते हैं, जहां मनोरंजन के साथ खाने पीने के व्यंजनों के स्टॉल भी उपलब्ध हैं, तो वहीं बच्चों के लिए झूले सर्कस और खिलौने सहित चिड़ियाघर मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेले में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। जगह जगह पर प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस के जवान तैनात हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अकीदमंद और मजार के व्यवस्थापक गण ने कहा।
आइए
लगते थे उसी तरह आप हजरत लाइन दरबार है। पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करने के बाद आपके शहर आने बाजुरिया में बाजुरिया में हर एक अल्लाह जान की माल की इज्जत के बाय फरमाए। आजा मेरे दीदी भाइयों दोस्त, दुनिया की दौलत दुनिया ही में रह जाएगी, सब घाट पड़ा रह जाएगा। फरमाए अल्लाह घर में कारोबार बरकत तरक्की ता फरमाए। क्या नाम है आपका? सरवत अली। सरवत, यहाँ पे किस काम किया है? ये गाजी मियाँ का मेला है, आज उनका शादी है और यहाँ परंपरा काफ़ी पुरानी है, ठीक है, और ये हमारे पूर्व से होते चली आ रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ मना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आज? ये गाजी मियाँ की यहाँ शादी है। अभी बना क्या रहे हैं आप? ये अकिया है, ये मैदे का मुर्गा कहता है, मलमिंदा बनता है, रोट बनता है, ये सब किसको चढ़ेगा? ये सब पातिया होगा गाजी मियाँ के नाम से। कितने दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ पे? कितने सालों से? अरे जब से वो संभाले तब से हम लोग आ रहे हैं। हम तो आए यहाँ पर। कितने दिन से दुकान लगाते हैं? ये लगभग 15 साल से लग रही है। दुकान है मशहूर,
और क्या 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 है मैं? ये हलवा पराठा है, शाही हलवा, मुगलिया पराठा, सोन पापड़ी, खस्ता। कहाँ से आई हैं आप? यहाँ पे किस जगह आई हैं आप? बाली मैदान है, हमेशा हम आते हैं, पूजा करते हैं। मुरादें पूरी होती हैं क्या यहाँ? जी हाँ, पूरी हो जाती है। बाबा को क्या क्या चढ़ता है? ज्यादा चढ़ता है कुरना, अगरबत्ती, यही सब चढ़ता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद जी, क्या है परंपरा यहाँ की, क्या विशेषता है, जरा बताइए। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक का बाली मैदान मेला है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं और अपनी मन्नत को मानते हैं, और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो अपनी मन्नत को उतारते हैं। कल आज रात 12 बजे से पलंग पीढ़ी का रस्म अदायगी की जाएगी, जिसमें दूर दूर से पलंग पीढ़ियाँ आती हैं और बाबा के यहाँ पेश होती हैं, लोग कनौरी कराते हैं और अपनी मन्नत को उतारते हैं। जो अपना कनौरी करके जो खाना बनता है वो गरीबों में तकसीम करते हैं। हरिवंश जी, कहाँ से आए हैं आप? क्या है मन्नत? पूरा होता है, मनोकामना पूरा होता है। अच्छा, कौन सी मनोकामना पूरी हुई आपकी? जो पूरा हो गया 12 साल है, चाहे कोई काम हो सब पूरा होता है। तो क्या करने आए हैं यहाँ पे आप? दर्शन करने। चढ़ा चादर? हाँ। क्या नाम है आपका? हदीस अहमद। हदीस कहाँ से आए आप? हम आए हैं गिनवाड़ी पोस्ट भूगढ़। किस लिए आए हैं? हम आए हैं कनौरी करवाने के लिए, गाजी बाबा के मन्नत माने हुए हैं। हमारी घरवाली का जो तबीयत खराब थी, तबियत चढ़ाने का मुर्गा मान लिए थे, तो वही चढ़ा रहे हैं, उनके नाम से फातिया करा रहे हैं। हमारी मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए हम उनके नाम से फातिया करा रहे हैं। और हम आज से नहीं, हम तो 25 साल से।